नमस्कार। आज हम बनाएंगे धूप में सुखाकर रखने वाले चिप्स। इन्हें आप खूब सारे एक साथ बना लें, स्टोर करके रख लें और साल भर तक जब भी आपका मन हो चिप्स निकालें, तलें और खाएं। तो शुरू करते हैं बनाना। चिप्स के लिए आलू खरीदते समय ध्यान रखना है कि ये बड़े बड़े हों। देखिए, ये पका हुआ आलू है और इसकी स्किन देखेंगे एकदम स्मूथ है। हमने 2 किलो आलू लिए और इन्हें छीलकर पानी में ही डालकर रखना है। अगर इन्हें पानी में नहीं डालेंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा। ये पानी ले लिया, इसमें हम चिप्स काटेंगे और इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच फिटकरी। ये दरदरी कूट कर ले लिया हमने, इसको पानी में घोल देते हैं। पानी में अगर फिटकरी मिला लें तो चिप्स का कलर बहुत अच्छा आता है, एकदम वाइट चिप्स बनकर तैयार होते हैं। जो रोज़ाना का ग्रेटर होता है उसमें ये चिप्स कटर रहता है। इस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाते हुए इसे काटा। थोड़े चिप्स काटने के बाद आलू को घुमा लेंगे और ये देखिए कितने अच्छे चिप्स कट रहे हैं। सारे आलू से इसी तरीके से चिप्स काट लेंगे और ये पतला पीस रह जाएगा, इसे हटा देंगे। प्याला भर गया है तो मैं ये चिप्स निकालकर इन्हें दूसरे बर्तन में डाल देती हूँ और इन्हें हम हमेशा पानी के अंदर ही रखेंगे। सारे चिप्स काट कर तैयार कर लेते हैं। ये सारे आलू के चिप्स बना लिए हमने और ये जो छोटे छोटे टुकड़े बच गए इनकी सब्जी बना सकते हैं। सारे चिप्स इसी में डाल देते हैं और इन्हें इस तरीके से थोड़ा अलट पलट देते हैं। 1 घंटे के लिए इन्हें पानी में डुबाकर छोड़ देते हैं। आप चाहें तो इसी तरह ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। 1 घंटे के बाद हम इन्हें अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। पहले तो इसी पानी में अच्छे तरीके से वॉश करेंगे और देखिए अब ये दूसरा पानी प्याले में ले लिया है हमने, इसमें इन्हें डालते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इन्हें तीसरी बार वॉश करने के लिए पानी में। सारे चिप्स हमने वॉश कर लिए और जो चिप्स की थिकनेस है वो आप देखिए, बहुत ज़्यादा पतले चिप्स मत काटिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पतले काट लेंगे ना तो जब आप इन्हें उबालेंगे तो उनके टूटने का डर हो जाता है। हल्की सी थिकनेस इन पे होनी चाहिए। इन्हें उबालने के लिए ये पानी हमने पहले से ही बॉईल करने रख दिया था। पानी में अच्छा उबाल आ रहा है और इतना पानी लेंगे कि ये चिप्स इसमें अच्छे तरीके से डूब सकें। तो चिप्स पानी में डाल देते हैं, आराम से डालेंगे, पानी के छींटे ना पड़े अपने हाथ में। अब इन्हें फिर से उबाल आने तक कुक होने देते हैं। भाप निकलने के लिए थोड़ा खुला छोड़ दीजिए, फ्लेम एकदम तेज़। ये चिप्स मैं बिना नमक डाले बना रही हूँ। इन्हें आप व्रत में भी तलकर खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनमें नमक भी डाल सकते हैं। तो इसी समय जब आप ये चिप्स उबाल रहे हैं तब 2 छोटे चम्मच इसमें नमक डाल दीजिए तो हल्के से नमकीन चिप्स बन जाएंगे। ये देखिए इनमें फिर से उबाल आ गया है और दोबारा उबाल आने में लगे हैं पूरे 10 मिनट। अब इनके ऊपर पूरा चेक रखेंगे, थोड़ा सा चला भी देंगे हल्के हाथ से, चिप्स टूटने नहीं चाहिए और बस इन्हें हल्का सा ही उबालना है। अब इसे चेक करते हैं, ये दम नहीं रहा है, मुझे अभी ये सख्त लग रहा है। 2-3 मिनट उबालते हैं इन्हें तो जरा सा बस वही, और ये देखिए और बड़े आराम से ये दब रहा है। ये हो चुके हैं, पहले उबाल आया 10 मिनट में, उसके बाद हमने 3 मिनट और उबाल लिया है। फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें जल्दी से पानी में से निकालते हैं। अगर आपने ये थोड़े ज़्यादा कुक कर दिए तो ये टूटने लगेंगे। इन्हें निकाल लिया, छलनी के ऊपर रखे हैं और अब इन्हें ले चलेंगे धूप में सुखाने के लिए। धूप में ये चादर बिछा दी है हमने, इसके ऊपर ये चिप्स पलट लेते हैं और एक एक करके इसके ऊपर फैला देते हैं और जब ये चिप्स थोड़े सूख जाएंगे तब इन्हें पलट देंगे। चिप्स को सूखने में 2 दिन की धूप लग जाती है। आलू के चिप्स सूख कर तैयार हैं, पूरे 2 दिन में अच्छे सूख कर तैयार हो गए हैं और अब इन्हें तल कर देख लेते हैं। तो ये कढ़ाई में तेल ले लिया और अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। चिप्स तलने के लिए तेल अच्छा यानी कि ज़्यादा गर्म होना चाहिए, फ्लेम भी तेज़ होनी चाहिए। थोड़े से चिप्स इसमें डाल देते हैं और बस इनको थोड़ा सा घुमाते रहते हैं और देखिए चिप्स कितनी जल्दी कितने बढ़िया से ऊपर तल के आ गए। इन्हें फटाफट निकालते हैं, थोड़े से और तल लेते हैं।
कितने सुपर वाइट चिप्स बने हैं। तो थोड़ा सा नमक बिल्कुल स्प्रिंकल करेंगे और इस तरीके से इनको पलट के मिला देंगे। और थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं काली मिर्च, आप इन्हें खाली नमक डाल के भी खा सकते हैं, और थोड़ी सी काली मिर्च या लाल मिर्च जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। आलू के चिप्स बनकर तैयार हैं। 2 से 3 दिन की धूप में ये अच्छे तरीके से सूख जाते हैं, और बीच में धूप गायब भी हो जाए ना आए तो भी चिंता की बात नहीं है, ये पंखे के नीचे भी अच्छे तरीके से सूख जाते हैं। और सूखने के बाद आप किसी भी कंटेनर में इन्हें भर कर रख लीजिए, पूरे साल भर तक यूज कर सकते हैं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चिप्स काटते समय ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पतले ना काटें, और उबालते समय उन्हें ज़्यादा ना उबाल दें। जैसे ही आलू थोड़ा सा मुड़ने लग जाए, कटने लग जाए, फ्लेम तुरंत बंद कर दीजिए और चिप्स को छान कर सुखा दीजिए। और जब भी आपका मन हो ये चिप्स निकालिए, फटाफट तलिए और खाइए। घर में बने हुए ताज़ा ताज़ा चिप्स तले हुए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।